ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ओडिशा के बालासोर से। वहां ट्रेन हादसे में जख्मी हुए यात्रियों की गिनती 132 पर पहुंच गई है, जबकि 30 यात्रियों की जान जाने की खबर है। थोड़ी देर पहले बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस एक दूसरी ट्रेन से टकराने के बाद पटरी से उतर गई थी। ट्रेन हादसे के फौरन बाद राहत और बचाव का काम शुरू हो गया। जख्मी लोगों को बालासोर के मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया जा रहा है, जबकि एनडीआरएफ की 3 टीमों को और ओडिशा की एसडीआरएफ की 4 टीमों को हादसे वाली जगह पर भेजा जा चुका है। अब भी बड़ी संख्या में यात्रियों के फंसे होने की खबर है। हादसे वाली जगह पर 50 एम्बुलेंस भेजी जा चुकी हैं। बड़ी संख्या में बसों को भी काम पर लगाया गया है, जिनके जरिए जख्मी यात्रियों को बालासोर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया जा सके। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि जख्मी हुए यात्रियों की संख्या काफी बड़ी हो सकती है। प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ रही है। प्रियंका, और क्या पता चल रहा है इस पर? देखिए, अब तक बताया जा रहा है कि तकरीबन 180 लोग जो है वो इंजर्ड है, जिनको अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया है। 30 लोगों से ज्यादा की मौत का आंकड़ा भी सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि जो कोरोना एक्सप्रेस है उसके 15 कोच गिरे हुए थे, जिसकी वजह से ये भयानक घटना जो है वो हुई है। इसके साथ साथ जो दूसरी ट्रेन थे उसके भी 2 कोच गिरे हुए हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर एक मालगाड़ी भी थी, जिसकी वजह से ये जो इंटेंसिटी है एक्सीडेंट की अगर बात की, ये बहुत ज्यादा नजर आ रही है। अभी एम्बुलेंस